Assalamu alaikum. Good morning, children. How are you all? Yes, you are looking very nice and fresh. Alhamdulillah. Yes, I am fine. जी जनाब, ये बताइए भाई, आजकल आप क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं? जी बताइए, खेल कैसे रहे हैं? साउंड्स कैसी आ रही हैं? ऐसी साउंड के साथ इतना शोर मचा के तो नहीं खेल रहे हैं कि मम्मा बाबा डिस्टर्ब हो रहे हों और वो कह रहे हों कि भाई आपकी जो है आवाज़ें बहुत आ रही हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक, शाबाश। यानी कि आप जो है सॉफ्ट साउंड के साथ में, लो साउंड के साथ में खेल रहे हैं, शोर नहीं बचा रहे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि अगर आप लाउडली बात करते हैं, आप नॉइस करते हैं, आप शोर मचाते हैं, तो दूसरे उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। जैसे कि जब आप काम करने बैठते हैं, तो काम करने जब बैठ जाते हैं, फिर क्या होता है कि अगर बाहर से बहुत ज़्यादा लाउड साउंड्स आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ें आ रही होती हैं, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका काम ठीक से नहीं होता, है ना। ठीक है जी जनाब, ये आपको पता चल गया, काम आप कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने चैप्टर नंबर 9 क्लास 1 सब्जेक्ट हमारा कौन सा चल रहा है, साइंस का चल रहा है, बिल्कुल ठीक जनाब। और हमारे पास चैप्टर है 9, चैप्टर 9 का नाम क्या है? यस, लिसन, लिसन, वेरी गुड। और आजकल हम कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइजेस, कल हमने एक्सरसाइज की थी अंडरस्टैंड की, सॉर्ट एंड लिस्ट की, आपने होपफुली उसे कंप्लीट कर लिया होगा और अपनी टीचर को सेंड भी कर दिया होगा, काम कर दिया था ना, वेरी गुड जनाब। ठीक है जी, आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। हमारे पास पेज ओपन है, यहाँ पे पेज नंबर 56, और जिसमें मेकिंग क्वेश्चन की एक्सरसाइज मौजूद है, और उसमें कहा जा रहा है, क्या देखते हैं, मेक क्वेश्चन फॉर दीज आंसर स्टार्ट विद गिवन वर्ड इन द ब्रैकेट। जी, हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमने बनाने हैं इसके क्वेश्चंस, और क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं कि ब्रैकेट में हमारे पास एक वर्ड मौजूद है, इसको यूज़ करते हुए, इसको स्टार्ट में यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन मेकिंग की एक्टिविटी करनी है। ठीक है जी, करते हैं ये काम, पहले देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है और इसका क्वेश्चन क्या बनेगा। द साउंड ऑफ बर्ड्स ट्रिपिंग इज सॉफ्ट, द साउंड ऑफ बर्ड्स ट्रिपिंग is soft, the sound of birds tripping is soft। जी, इसका हमने क्वेश्चन बनाना है, how is the sound of birds tripping, how is the sound of birds tripping। जी, birds की जो tripping की sound होती है वो कैसी होती है, लाउड होती है या फिर सॉफ्ट? ये सॉफ्ट होती है, तो हमारे पास आंसर मौजूद है, द साउंड ऑफ बर्ड्स ट्रिपिंग इज सॉफ्ट, वेरी गुड। आंसर नंबर 2 है हमारे पास, यस, द साउंड ऑफ अजान इज लाउड, यस, द साउंड ऑफ अजान इज लाउड। जी, हमारी जो अजान की आवाज़ होती है वो लाउड होती है, ताकि सब लोगों को अजान की आवाज़ पहुंच जाए और उनको ये पता चल जाए कि नमाज का टाइम हो गया है और आप सब नमाज पढ़ लीजिए। अगर बहुत ही हल्की आवाज़ में अजान दी जाएगी तो किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को आवाज़ नहीं आएगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई अजान हो चुकी है, हमें नमाज पढ़नी है ना। तो ये ज़रूरी है कि हमारे पास जो है अजान की आवाज़ लाउड हो, ताकि हमें पता चले, सबको पता चले, अगर कोई किसी काम में बिज़ी भी है तो उसे ये पता चल जाए कि भाई अजान का टाइम हो गया है, अजान हो रही है, नमाज़ पढ़ने का टाइम हो गया है। ठीक है, हमने इसका क्वेश्चन बनाना है, हमने वर्ड यूज़ करना है इज़, इसको यूज़ करते हुए हमने इसका क्वेश्चन बनाना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, इज़ द साउंड ऑफ अजान लाउड, Is the sound of azan loud? Question mark। आपको पता है कि जब हम question बनाते हैं तो question के आखिर में हम question mark लगाते हैं। Very good। Is the sound of azan loud? Question mark। Very good। Yes, the sound of azan is loud। Answer number 3 क्या है हमारा? Answer number 3 है, The sound of a bicycle bell is not loud. The sound of a bicycle bell is not loud.
आपकी जो बाइसाइकिल की बेल होती है उसकी साउंड जो होती है वो लाउड नहीं होती, ट्रिन 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 ऐसी टाइप की कुछ साउंड होती है, ठीक है ना। तो हमने बनाना है इसका क्वेश्चन, हमारे पास वर्ड है यहाँ पे हाउ। हाउ को यूज़ करते हुए हमने क्वेकिंग क्वेश्चन की एक्टिविटी करनी है, क्या बनेगा, हाउ इज़ द साउंड ऑफ बाइसाइकिल बेल क्वेश्चन मार्क, हाउ इज़ द साउंड ऑफ बाइसाइकिल बेल क्वेश्चन मार्क। आंसर क्या है, द साउंड ऑफ अ बाइसाइकिल बेल इज नॉट लाउड, द साउंड ऑफ अ बाइसाइकिल बेल इज नॉट लाउड। आंसर नंबर 4 है हमारे पास, यस द विसल मेक्स अ श्रिलिंग साउंड, यस द विसल मेक्स अ श्रिलिंग साउंड। डज, डज को यूज करते हुए हमने इसका क्वेश्चन बनाना है, हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, डज द विसल मेक अ श्रिलिंग साउंड क्वेश्चन मार्क, डज द विसल मेक अ श्रिलिंग साउंड क्वेश्चन मार्क, डज द विसल मेक अ श्रिलिंग साउंड क्वेश्चन मार्क। आंसर है यस द विसल मेक्स अ श्रिलिंग साउंड। जी, कंप्लीट होती है हमारी मेकिंग क्वेश्चन की एक्टिविटी, एक दफा इसको रिपीट करते हैं। आंसर नंबर 1 था हमारा द साउंड ऑफ बर्ड चिरपिंग इज सॉफ्ट, हाउ को यूज करते हुए हमने स्टेटमेंट बनाना था, क्वेश्चन बनाना था, हाउ इज द साउंड ऑफ बर्ड चिरपिंग क्वेश्चन मार्क। आंसर नंबर 2 था यस द साउंड ऑफ अजान इज लाउड क्वेश्चन मार्क, नहीं आएगा क्योंकि यह है आंसर बिल्कुल ठीक, इस ब्रैकेट में मौजूद है, इसको यूज करते हुए हमने क्वेश्चन बनाना है, इज द साउंड ऑफ अजान लाउड क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड। नंबर 3 स्टेटमेंट हमारे पास है द साउंड ऑफ बाइसाइकिल बेल इज नॉट लाउड, और हमने इसका क्वेश्चन बनाना है, वर्ड यूज करना है, ब्रैकेट में मौजूद है हाउ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज द साउंड ऑफ बाइसाइकिल बेल क्वेश्चन मार्क। आंसर नंबर 4 है यस द विसल मेक्स अ श्रिलिंग साउंड, यस द विसल मेक्स अ श्रिलिंग साउंड, हमने इसका क्वेश्चन बनाना है, वर्ड यूज करना है डज द विसल मेक्स अ श्रिलिंग साउंड क्वेश्चन मार्क, और हमारे पास आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, रिपीटेडली देखना है, काम करने का काम कंप्लीट करना है, अपना काम कंप्लीट कर लेंगे आप फिर क्या करेंगे, बिल्कुल जनाब अपने पेरेंट्स को या बहन भाई को, किसी भी बड़े बहन भाई को आपने ज़रूरी चेक कराना है, ताकि स्पेलिंग्स वगैरह आपके देख लें। काम शुरू करने से पहले पेंसिल ज़रूर शॉर्प कीजिएगा और अपने काम की पिक्चर अपने टीचर को सेंड कर दीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ, अल्लाह हाफिज़।